हुए हैं और ये आए हैं देखने पिक्चर। 10 बजे पहुंचेंगे 10 बजे। अब हम लोग हम तो निकलते हैं भेलपुरी मारते हैं। हम तो भेलपुरी पैक करा के लाए थे। हेलो दोस्तों, मेरा नाम मानव, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मानव वार्षिक ब्लॉग। तो दोस्तों आपका एक नए ब्लॉग में स्वागत है। तो फिलहाल दोस्तों मैं बता दूं, आज हम जा रहे हैं पठान मूवी देखने कासगंज। फिलहाल हमें एटा गुरुकुल के सामने खड़े हैं, यहाँ पेट्रोल पड़वाया था स्कूटी में और अब हवा पड़वा रहे हैं। तो हम लोग को जल्दी पहुँचना है, 3 बजे करीब 2:30 बज रहे हैं, तो इसलिए आपसे ज़्यादा आगे जाके बात करेंगे कासगंज पहुँच के, पिक्चर ना छूट जाए। और मैं आपको बता दूं, अगर आप लोगों ने रुचिका जागरण वाला ब्लॉग नहीं देखा हो तो आप ऊपर आई बटन में लिंक दे रखी है, वहां जाके आप देख सकते हैं। और साथ ही साथ आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो भी कर सकते हैं। तो अब जल्दी है थोड़ी हमको, तो आपसे कासगंज जाके मिलते हैं डायरेक्ट। फाइनली हम पहुंच चुके हैं कासगंज, ये नोवेल्टी सिनेमा। टिकट ले रही है 140 की एक टिकट है, थोड़ी महंगी होगी पहले के मुकाबले। और हमको नदरी गेट पर इतना बुरा जाम मिला था, पानी भर रहा था, बड़ी मुश्किल से चढ़ के आए हैं। तो सीधे अंदर चलते हैं और अंदर जाके पिक्चर एंजॉय करते हैं, क्योंकि पिक्चर स्टार्ट होने वाली है। तो फिलहाल हम पहुंच चुके हैं कासगंज, ये सिनेमा हॉल है, पिक्चर हॉल, बहुत छोटा सा हॉल है। हमको उम्मीद खुश थी, मैं पहली बार आया हूँ कासगंज में नोवेल्टी में, मेरे को लगी थी बहुत बड़ा हॉल होगा, लेकिन ये बहुत छोटा सा है। इससे बड़े तो वो होते हैं जैसे शादी होती हैं, बहुत छोटा है। अगर मैं आप लोगों को कह रहा हूँ, वैसे तो आप लोग अपने शहर में देखिए, अगर आपके शहर में नहीं है जैसे एटा वाली है वो नोवेल्टी में ना है, तो ये चाहे कासगंज या अलीगढ़ देखने जाए, क्योंकि बहुत बेकार सिस्टम है, ज़्यादा मैदान नहीं है। बस ये जो लोग एटा से हैं उनके लिए बता देता हूँ, जो ज्वाला टाकीज है ना उससे थोड़ा सही है, जो सीट्स हैं यहाँ की वो थोड़ी सॉफ्ट है, रिक्लाइन आ रहा है, तो उस चीज़ में तो अच्छा मानूंगा, लेकिन वैसे ना आए तो ही बढ़िया है। फिलहाल हम एंटर हो चुके हैं पिक्चर हॉल में और यहाँ भेलपुरी का नाश्ता, यस भैया लेके आए। ये भी क्या कह रहे हैं, बोलो तो कुछ, कैसी भेलपुरी? बढ़िया, 30 रुपये की भेलपुरी दी है, इसलिए बहुत तेज भूख लग रही थी। और पिक्चर स्टार्ट होने में अभी टाइम है, मानू तो खा लेगा। अब पहले भेलपुरी इंजॉय करते हैं, उसके बाद आपसे मिलते हैं, पिक्चर स्टार्ट होती है। एक आज एक चूना तो लग ही चुका है। लंच ब्रेक चल रहा है, अरे यही तो मजा देगा, लंच ब्रेक, स्प्राइट से क्या सफेद पानी। अरे बिलाल, तो अभी हो चुका है ब्रेक, ये है कुछ थिएटर, छोटा सा मोटा सा थिएटर, ब्रेड लेगा नहीं ब्रेड, ब्रेड बंद हो गया। फाइनली पिक्चर देख के हम आ गए हैं, पिक्चर बहुत बढ़िया है, शुरू की थोड़ी बोरिंग है। सर लगा मेरा मजाक। और जो इस ये थिएटर है, इसकी बता दूं सिंगल स्क्रीन है, तो यहाँ क्या फ़ायदा हो जाता है, सस्ते में पिक्चर देख ली जाती है। लेकिन ये जो पिक्चर हॉल है ये एवरेज है, ज़्यादा खास नहीं है, लेकिन हमारे पास कुछ है नहीं, हमारे शहर में कुछ नहीं, उससे तो बढ़िया ये है। समझ रहे हो, समझ रहे हो, समझ रहे हो। तो अब एकांशु भैया आए हैं स्पेशली पिक्चर देखने, हम लोग जाने को हुए हैं और ये आए हैं देखने पिक्चर। 10 बजे पहुंचेंगे 10 बजे। अब हम लोग हम तो निकलते हैं भेलपुरी मारते हैं। हाँ, भेलपुरी पैक करा के लाए थे, यस भैया कहते भटूरे पैक करा ला, भटूरे। अब जाके अब जाके आमलेट मारेंगे, टूबा वो पहन के, और पता है नदरी गेट वो थी,
पानी भरा था, हमने ऊपर चढ़ गए पटरी से, पटरी चल गया है। तो अब आपको मिलते हैं, हम लोग तो जा रहे हैं आमलेट खाने, नदर गेट पे आमलेट मारेंगे और ये लोग देखेंगे पिक्चर, रहेंगे 10 बजे घर पे। क्या हो गया काम? तो पिक्चर देखने के बाद थोड़ी पेट पूजा। कासगंज की स्पेशल भेलपूरी जो आगे यहाँ मिलती है, ये ठेला देखिए, भेलपूरी और ऑमलेट इंजॉय करते हैं ये। तो आज की वीडियो में इतना ही, ये आप लोग देख लीजिए ठेला, ये दो दिख रहे होंगे कासगंज के स्पेशल हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो उस वीडियो को लाइक करें, इस वीडियो को कमेंट करें तो आपका फेवरेट पार्ट हो, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और कुछ लोग जो कासगंज देख रहे हैं वो भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और ऐसे इंटरेस्टिंग ब्लॉग आपको मिलते रहेंगे।